नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 11 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बढ़ते हैं खबर की ओर। पटना में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जदयू महानगर ने बूथ स्तर तक तैयारी शुरू कर दी है और 72,000 बूथों पर इसके लिए सम्मेलन किए जा रहे हैं। वहीं जदयू MLC ने भी कार्यकर्ताओं को तैयारियों से संबंधित कई दिशा निर्देश दिए। लड़के भी रखते हुए हम इस बाकी के क्षेत्र में अपने संगठन को मजबूत बना रहे हैं और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी यहाँ वहन किया है कि हमारा संगठन इतना मजबूत होगा, इतना मजबूत होगा कि कल होकर हमारा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, उस पर हम काम करेंगे। इसलिए आज यह सम्मेलन हो रहा है, मानवर अध्यक्ष और सचिव का सम्मेलन हो रहा है और अपने आप में कार्यकर्ताओं के लिए पूरा इंस्पायरेशन है। हमारे नेता मानवर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सोच के अनुरूप और हमारे नेता मानवर RCPC ने जितना मेहनत कर रखा है वो हमारा प्राइमरी संगठन जो है बूथ का संगठन वह मूर्त रूप ले चुका है। आज के दिन में बिहार में एक सशक्त संगठन है। वहीं चुनाव को लेकर ही दरभंगा में विधानसभा स्तरीय बूथ और सचिव संगठनिक सम्मेलन का आयोजन जिला अध्यक्ष प्रोफेसर अजय चौधरी की अध्यक्षता में की गई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मदन सहनी ने दरभंगा में जल्द ही एम्स की स्थापना होने के साथ साथ लोगों को इससे मिलने वाले लाभ के बारे में भी बात की। इस बूथ की जो व्यवस्था 100 किलोमीटर लगातार पक्का ढलाई बना हुआ है दरभंगा जिला के अंदर में, दूसरा कोई सड़क लगातार 6 किलोमीटर पक्का नहीं मिलेगा। और यहाँ के जितने लोग हैं सब जानते हैं कि लोग आपस में चंदा कर करके इस सड़क को बनाने का काम करते थे, यहाँ से जाना आना मुश्किल काम था। हम लोग को मौका मिला और छत्र छाया अपने नेता का मिला, आशीर्वाद अपने नेता का मिला, हम लोगों ने इस इलाका को सड़कों का जाल की तरफ फैलाने का काम किया। आप अप्लाई करेंगे, बिजली विभाग के इंजीनियर बुलाए जाएंगे, आप रहेंगे, आपके सामने ही उसका निपटारा कर दिया। तो मैंने उसका दो कानून की चर्चा क्यों की? आप सब यहां पर जितने हमारे साथी हैं सब पब्लिक लाइफ में रहते हैं। वहीं इधर नालंदा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने कार्यकर्ताओं को एकजुट करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर सांगठनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार समेत कई सांसद और नेता भी मौजूद रहे। जेल में बैठा हुआ है कैदी नंबर 3351, हमेशा बोलते हैं क्या हालात है भाई, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हो, नीतीश कुमार जी को 2020 में नहीं आने देंगे, चुनाव लड़ने का अधिकार है, जिसको न्यायपालिका ने कुपात्र घोषित कर दिया। माननीय लालू प्रसाद जी, हम नहीं सुधरेंगे संकल्प लिए हुए हैं, भ्रष्टाचार के मामले में तो सजा याफ्ता हो गए और आप तो ऐसे पिता के रूप में याद किए जाते रहेंगे जो पूरे परिवार को कानून के लपेटे में ले लिया भ्रष्टाचार के मामले में। उम्र के चौथे पड़ाव पर है लालू जी, होटवार जेल में जिस ढंग से आप बिहार झारखंड जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उम्र के इस चौथे पड़ाव पर भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता तो हो चुके हैं। ऐसा न हो कि आपको जेल मैनुअल की सुसंगत धाराओं के उल्लंघन के आरोप में कहीं कार्रवाई हो जाएगा। इसे विनम्र आग्रह है कि कम से कम कानून का सम्मान करना सीखिए। सीएम नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री को 9 जनवरी को भागलपुर का दौरा करना है। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सर्किट हाउस में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और डिप्टी मेयर ने सारी तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही साथ आगे की तैयारियों के लिए कई दिशा निर्देश दिए। जीवन हरियाली का भागलपुर का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की तैयारी के लेकर के अपने जो हमारे NDA के साथी लोग हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं कि कैसे उनकी उनका जो कार्यक्रम हो वो सफल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके उनके भाषण से लाभान्वित हो सकें, उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इधर मुंगेर में मुख्यमंत्री आगमन से एक दिन पूर्व शराबियों ने वासुदेवपुर थाना क्षेत्र में खुलेआम शराब पीकर तमाशा किया और घंटों गांव में लोगों को परेशान करता रहा। वहीं इसकी सूचना के बाद पुलिस ने जांच कर शराबी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई।
बंद है तो सरकार क्यों बंद कर रहा, खुला क्यों बिक रहा? जी सर बोलिए। इसीलिए पिए हैं कम का बिकता है खुला शराब? अरे छह महीने किसने पिलाई शराब? शराब कहाँ पिए? सुत्रखाना में। जी क्या नाम हुआ तुम्हारा? अब्दुल। घर? वहीं जल जीवन हरियाली योजना के तहत ही सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर जमुई में भी तैयारी जोरों पर है। इसके तहत जमुई जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने पत्रकारों के साथ बैठक कर योजना से जुड़ी खबरों को जन जन तक पहुंचाने की आग्रह किए। साथ ही आपको बता दूं कि सीएम नीतीश कुमार का जमुई के गिद्दौर में 10 फरवरी को यात्रा है। इधर पटना में बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम के तहत पार्टी के प्रदेश कार्यालय में नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने पदाधिकारियों से उनकी समस्या सुनी और उनके निवारण हेतु आश्वासन भी दिया है। जेएनयू विवाद पर उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालय के आंतरिक विवाद है और इसका परिणाम जल्द सबके सामने आएगा। कंदार भाई जो होता है अपना शीशा का शोरूम है, ये है, पत्थर कोई फेंक दे तो वो अपना दुकान बंद कर लेता है, ये अलग बात है, लेकिन जन समर्थन इसको नहीं मिल रहा है। वहीं इधर जेएनयू में हिंसा और जामिया में पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ मधेपुरा में बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के कई छात्र संगठनों ने मिलकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। इस मौके पर छात्र नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार आज छात्रों से जंग लड़ रही है क्योंकि आज छात्र ही सरकार की गलत नीतियों का पर्दाफाश कर रहे हैं। छात्रों पर जिस तरह से एबीवीपी के गुंडों ने बर्बरता पूर्वक जैसे मारपीट किया है, उसके विरोध में हम लोग आज बीएनएमयू छात्र संघ के सभी छात्र इसमें आज आंदोलन कर रहे हैं उसके विरोध में, और हम लोग सरकार से सरकार को सख्त हिदायत दे रहे हैं कि जो छात्र विरोधी नीति है ये बंद करे। छात्रों पर जो कार्रवाई की गई है, पिछले दिनों जिस तरह जामिया में छात्रों के साथ जो है सो बर्बरता किया गया, पुलिसिया कार्रवाई की गई, उसके बाद आज जेएनयू में हुआ, उसी तरह लगभग सारे यूनिवर्सिटी में ये केंद्र सरकार छात्रों से जंग लड़ रही है। ये केंद्र सरकार चाहती है, क्योंकि केंद्र सरकार के सभी कुकर्मों का भंडाफोड़ आज के छात्र कर। वहीं दूसरी तरफ जेएनयू में हुई हिंसा को लेकर राजधानी पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आरजेडी ऑफिस से लेकर इनकम टैक्स गोलंबर तक विरोध मार्च निकालकर सरकार का पुतला दहन किया। वहीं इनकी मांग है कि सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो, साथ ही इन्होंने नकाबपोश लोगों की मदद की, इस पर सरकार को जमकर नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद जेएनयू के छात्रों पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी इधर पटना में बीती रात छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म की घटना पर शिवसेना प्रवक्ता विकास ज्योति ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में प्रशासन और सरकार दोनों ही पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। नहीं यार, फिर अगर बिहार की बात कर ले, पटना की बात कर ले, तो फिर आज एक बीबीए की छात्रा के साथ कहेंगे रेप हुई है सर। देखिए, जहां तक बात रही शासन और प्रशासन की, तो बिहार सरकार शासन और प्रशासन के मामले में काफी उदासीन है। और जहाँ तक रही बिहार में थाना का टेंडर हो रहा है, हर एक थाना का टेंडर हो रहा है, करोड़ों रुपया लेकर कर करके थानेदार की पोस्टिंग हो रही है, तो उस स्थिति में आप कानून व्यवस्था बनाए रखना बेमानी है। और गैंग रेप और रेप, तो स्थिति यह है कि बहुत सारे गैंग रेप और रेप का थाना के लोगों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज भी नहीं किया जाता है, और उल्टे रेप पीड़ित परिवार को धमका करके, डरा कर करके उनसे मामले को रफा दफा करवाया जाता है। इधर शिवहर में अपराधियों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना नगर थाना क्षेत्र के हरनिया गांव की है, जहां अज्ञात अपराधियों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक किसान अपने घर से खेत की तरफ जा रहा था, उसी दौरान बाइक सवार 3 अपराधियों ने किसान की हत्या कर दी। घटना हम सुबह 11:08 में हम यहाँ पर दोनों आदमी थे, उसके बाद से हम घर गए हैं और घर से निकले हैं, उसके बाद से कुछ देर के बाद खबर आया कि ऐसे ऐसे गोली चला है।
क्या पूर्व से भी कोई विवाद था क्या? पूर्व से जमीन विवाद चल रहा था, एक बार कांड भी हो चुका हुआ घटना हम सवेरे 8:11। इधर पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। बताया जा रहा है कि तहखाने के अंदर छुपाकर यह शराब रखे गए थे। हालांकि मौके से शराब तस्कर फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मकान को सील कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इधर मधेपुरा में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुरलीगंज पुलिस ने रजनी गांव में भारी मात्रा में अवैध रूप से ले जाए जा रहे चावल और गेहूं के साथ साथ एक पिकअप वैन को भी जब्त कर लिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि यह चावल और गेहूं जन वितरण प्रणाली केंद्र का है, जो कि गलत तरीके से इसे बेच दिया गया था। अब हो गया डीएम साहब का। कल रात जो है से रजनी से जैसे पुलिस के द्वारा जैसे गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है और इसमें जैसे गेहूं और चावल है। इस समय में गाड़ी पे गेहूं और चावल पकड़ाना ये स्पष्ट दिखता है कि जन वितरण प्रणाली का गेहूं चावल है और कमोबेश ऐसी स्थिति लगभग हर जन वितरण प्रणाली का होता है। इधर गया में दो बहनों द्वारा लोगों पर झूठे केस में फंसाकर पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रेस वार्ता के माध्यम से निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं डीजीपी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। सजा काट चुका है, यहाँ तक अंकित कुमार और समरेश कुमार जो बेतिया कांड में वो भी सजा काट चुके हैं, सारे लोग सजा काट चुके हैं। दूसरी बात है कि यूट्यूब पे जो लड़की खुद बोली कि हम लोगों को फंसाए हैं, ऐसा बोली है कि बेतिया में हम लोगों को फंसा है। तीसरा एक कह रहा कि चंडीगढ़ में जो मामला जो कि बजरगंज डीएसपी धुरन मंडल खुद बता रहा है, तो पुलिस चंडीगढ़ के मामला पे जांच क्यों नहीं कर रही है? और दूसरे राज्यों में भी एक रैकेट के माध्यम से झूठा केस दर्ज करके वहां के स्थानीय युवाओं को फंसाने का काम किया। झूठा केस में उनके अभिभावकों से पैसा की मांग, मोटी रकम की मांग की गई। तो मित्रों मैं बताना चाहता हूं कि कानून महिला के सुरक्षा के लिए बना है, न कि महिला अपने आप दूसरे को निर्दोष लोगों को दोषी साबित करके उनसे पैसा उगाही करने का काम करें। इसमें सरकार को एवं प्रशासन को चाहिए कि जो भी निर्दोष लोग हैं उसकी प्रामाणिकता से जांच हो। बेगूसराय में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले पुलिसकर्मियों के रूप में प्रमोद कुमार को एसपी ने प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित किया है। एसपी ने कहा कि जिले में पुलिस मुख्यालय के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुलिसकर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। कि जिले में सर्वश्रेष्ठ पुलिसकर्मी या पुलिस पदाधिकारी को चिन्हित कर उन्हें सम्मानित किए जाने का एक परंपरा पुलिस मुख्यालय द्वारा शुरू किया गया है, जिसके तहत लास्ट मंथ भी हम लोगों ने एक ट्रैफिक के जवान को सम्मानित किया था। दिसंबर 2019 के लिए बेगूसराय जिले में कार्यरत पुलिसकर्मी सिपाही प्रमोद कुमार, जो कि हमारे साइबर क्राइम और सोशल मीडिया यूनिट में हैं, कार्यरत हैं, उनको इस सम्मान के लिए चयनित किया गया है। प्रमोद कुमार के द्वारा न सिर्फ दिसंबर में बल्कि पूरे वर्ष में अलग अलग जघन्य कांडों के उद्भेदन में महत्वपूर्ण और अतुलनीय योगदान दिया है, चाहे वो नवंबर का सोना लूट कांड हो या अननोन मर्डर केसेस जो सेंसिटिव मर्डर केसेस हैं उनमें हो, उनके उद्भेदन में मदद किया उन्होंने और जो कुख्यात अपराध कर्मी हैं उनको पकड़ने में। जमुई में एक स्थानीय संस्था के द्वारा गरीब आदिवासी बच्चों को बीच में स्वेटर वितरण किया गया, साथ ही इस मौके पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी बच्चों को जागरूक किया गया। इधर पाकुड़ में विधानसभा चुनाव के दौरान बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान अधिकारियों ने अपने बेहतर कार्य के साथ साथ पूरी कर्मठता के साथ अपने काम को निर्वहन किया है, जिसके कारण हम चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने में सफल हुए। इसके लिए इन अधिकारियों को सम्मानित किया गया। पदाधिकारी हैं या सर्च ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपने दायित्व को पूरी कर्तव्यता के साथ
सभी पदाधिकारियों को कर्मियों को प्रशस्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के माध्यम से जिसमें मौके पर सर्कल ऑफिसर्स थाना प्रभारी BDOCO तीनों निर्वाचन क्षेत्रों के आरोप शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। इसके लिए जिला प्रशासन सीसीआर की तरफ से वो सब तमाम पदाधिकारी जिन्होंने अच्छे कार्य किए चुनाव के दौरान उनको सम्मानित किया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 1। नमस्कार।